Hello guys, good morning to you all. I welcome you all on the behalf of JKP. So today we will discuss about the new pattern which CBSE has introduced for the upcoming class 10th exam. So while going through the pattern, what we will discuss is that what are the major changes that has been incorporated in the syllabus of CBSE class 10th of mathematics 2020. So guys, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोर स्ट्रक्चर क्या है इस सीबीएसई क्लास 10th का. तो टोटल 7 यूनिट में हमने पूरे चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. एंड सो बेसिकली द मोर वेटेज इज फॉर द ज्योमेट्री पार्ट. ज्योमेट्री इंक्लूड्स द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज वेल एज ज्योमेट्री. दे आर कंबाइंड टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स, दोज हु आर गोइंग फॉर अपीयरिंग फॉर द सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम. सो ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो उसका वेटेज भी 12 है, एंड मेंसुरेशन इज अराउंड 10, एंड स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 11. एंड द मोर फोकस इज ऑन द एलजेब्रा पार्ट. एलजेब्रा पार्ट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द साइमल्टेनियस पॉलिनोमियल्स. सो गाइज, सबसे ज्यादा वेटेज एलजेब्रा का है इस पूरे सेगमेंट के अंदर. तो द स्ट्रेटेजी व्हाट यू शुड ऑप्ट फॉर द बेसिकली द फोर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू फाइव चैप्टर्स यू शुड कवर, यू शुड बी वेरी थरो फॉर द अपकमिंग एग्जाम. सो गाइज, सबसे पहले तो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के जो चैप्टर वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थे और जो इस ईयर के, दोनों सेम है. देयर इज नो चेंज इन द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द चैप्टर वाइज एज द यूनिट व्हिच इज इंडिकेटेड ओवर हियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैज बीन डन इन द एग्जाम पैटर्न फॉर द क्वेश्चंस. सो प्रीवियसली पहले 30 क्वेश्चंस आया करते थे फॉर द क्लास 10th एग्जाम ऑफ द मैथमेटिक्स. नाउ इट इज 40 क्वेश्चंस. चार सेक्शंस पहले भी थे, चार सेक्शन अभी भी है. नाउ सेक्शन ए कॉम्प्रोमाइज, पहले सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चंस आते थे 1 मार्क्स के, लेकिन बट यहां पे सबसे ज्यादा चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न के अंदर कि सेक्शन ए में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे उसमें अब 20 क्वेश्चंस अराउंड आ रहे हैं. अराउंड 20 क्वेश्चंस विल कम इन द सेक्शन ए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो गया तो दैट मीन्स दैट इंडिकेट्स है कि पेपर का पैटर्न जो होगा वो दैट वुड बी इजी फॉर स्टूडेंट टू गेट स्कोर गुड मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जाम. और ओवरऑल अगर आप देखो तो पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब 40 क्वेश्चन आने लग गए हैं. सेक्शन बी में पहले 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते थे, अब सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ रहे हैं. सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स के आते थे, अब सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के. नाउ इन सेक्शन डी पहले 8 क्वेश्चन आते थे 4 मार्क्स के, अब 6 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के. तो गाइज, इंटरनल चॉइस भी है हर एक सेक्शन के अंदर कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में देयर वुड बी 2 क्वेश्चन, देयर वुड बी चॉइस इन दैट. इन द 3 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर भी पहले 3 क्वेश्चन होते थे जिसमें चॉइसिस होते हैं, एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें इंटरनल चॉइसिस होंगे. तो गाइज, इस तरह से पैटर्न में क्या हुआ है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए हैं ताकि स्टूडेंट इजिली उस क्वेश्चन को ऑप्ट कर सके फॉर द बेटर स्कोरिंग. एंड नाउ मूविंग टू द, अगर आप देखो कि पूरे एग्जाम जो पूरा जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो चार पार्ट में, चार बेसिकली चार कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि रिमेंबरिंग स्किल पे है ना अराउंड 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग पे 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे. अप्लाइंग मतलब एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट हैज टू बी डन, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के. तो इन दिस वे द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर डिजाइन इज गिवन. और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट भी होगा क्लास 10th के अंदर. तो 20 मार्क के इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, सबसे पहले पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट 10 मार्क्स के हो जाएंगे, एंड उसके बाद पोर्टफोलियो दैट वुड बी ऑफ 5 मार्क्स, एंड आफ्टर दैट लैब प्रैक्टिकल जो होगा वो 5 मार्क्स के होंगे. तो टोटली 20 मार्क्स दिस स्कूल विल असेस्ड फॉर द इंटरनल असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट्स. एंड द अराउंड 80 मार्क्स क्वेश्चंस विल बी एज पर द एज वी हैव डिस्कस्ड द सिलेबस अकॉर्डिंगली इट वुड बी देयर. सो 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो इनहेंस हुए हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, उस पे फोकस करना चाहिए. और उसमें भी 1 टू 10 क्वेश्चंस आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड फ्रॉम 11 टू 15 इफ यू विल टॉक अबाउट दैट इट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 16 टू 20 इट इज नॉर्मली अ क्वेश्चंस दैट ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली, बट देयर इज नो एमसीक्यू इन दैट. सो गाइज, प्लीज प्रिपेयर फॉर दिस एज पर द न्यू पैटर्न्स एंड ऑल. एंड वी
And the important notes that you have to consider is that separate marks will be provided for each and every step. So, जो आप steps देते हैं वो elaborate करके दीजिए ताकि क्योंकि हर एक steps के एक marking होती है. And finally, there should be a conclusion line for the every question so that because it consists of half to one marks, so conclusion should be written in the exam. So, strict marking, strict checking would be there. So, each and every step should be mentioned so that कि अगर आप कहीं mistake भी करते हैं तो आपके steps के आपको marks मिल सकें, guys. So, moving further, these are the important books that we suggest with respect to the GKP is that class 10th 2020 ke chapter and topic wise salt paper ki book hai that consists from the 2011 to 2019 paper, and in that we have covered all sets of Delhi and all Delhi and outside Delhi. So guys, ye aapke liye bahut important hoga, and as per the new pattern also we have provided the sample paper ki book aapko milegi, class 10th ki 10th ki sample paper ki book aur standard level ki. To guys, isme bhi humne jo latest changes hai, latest pattern pe jo objective type question introduce किए हैं, जो section wise में internal choices दिए हैं, तो we have covered all that topics in this. So guys, my recommendation to all of you is that you please go through this book and it would be very helpful for you in upcoming exam. Thanks a lot for taking this session. Career launcher, make your parents explode with joy.